मैं डॉक्टर रविरंजन कुमार सिन्हा, आप सभी एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स का इस वर्कशॉप में, जो कि बामेती द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं वर्तमान में पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में कार्यरत हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप लोग इन सभी बातों से, जो भी आपको बताया जा रहा है, अवगत होंगे। लेकिन आप अपने उस पुराने नॉलेज को थोड़ा अपडेट करें और अपनी बातों को किसानों के बीच, ग्रामीणों के बीच लेकर जाएं, ताकि वो साइंटिफिक फार्मिंग को अपना पाए और अपना एवं प्रदेश का जो आय है उसको बढ़ा सके। अतः मैं अब इसको शुरू करता हूँ, सेमिनार को, वर्कशॉप को शुरू करता हूँ, और अपना स्क्रीन शेयर करते हुए आपसे उस पर परिचर्चा करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको सस्टेनेबल गोट फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। सस्टेनेबल गोट फार्मिंग, ये तात्पर्य है कि सस्टेनेबिलिटी इसमें रहे। आप अगर बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हो या कोई भी कमर्शियल गोटरी ही कर रहे हो, अगर उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो आप कुछ समय के बाद छोड़ दें, तो सस्टेनेबिलिटी उसमें आएगी कैसे? सस्टेनेबिलिटी आने का मतलब है उसमें रेगुलर आपको इनकम का फ्लो हो, रेगुलर इनकम हो और आप उससे कुछ आय ले पाए, तभी आप उसको सस्टेन कर पाए। और विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप जब देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज भी डिग्रेड कर रहा है, यहाँ तक कि फार्मिंग का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, यहाँ तक कि देख रहे हैं आप जो अरेबल लैंड है वो भी सिकुड़ता जा रहा है, फूडर प्रोडक्शन घटता जा रहा है, फीड शॉर्टेज है, उस परिस्थिति में आप किस तरह से गोट फार्मिंग को सस्टेन करें? जैसा कि आप जानते हैं, गोट हमारे लघु किसान एवं सीमांत किसानों में बहुत ही प्रचलित है, और ये इसे इसे पुअर मंस काउ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम संसाधनों में आपके यहाँ रहता है और बहुत कम लागत पे ही आपको प्रोटीन बना के देता है, मिल्क देता है और त्वरित आय का माध्यम भी है। इसको एटीएम भी बोला जाता है, गरीबों का एटीएम, गरीबों की गाय ये बोला जाता है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में 7% ऑफ गोट है पूरे देश का, सबसे ज्यादा गोट राजस्थान में, उसके बाद बंगाल में, यूपी में और तब आप बिहार में पाएंगे। और हमारे यहाँ जो गोट्स हैं, मेनली हमारे जो प्रदेश में, बिहार प्रदेश में जो गोट्स हैं, वो मेनली आप कुछ नस्ल पे ध्यान दें तो आप बेटर उसको किसानों के बीच उपलब्ध भी करवा पाएंगे और उनसे किसान आय भी ले पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो अभी तक पर्पस है, जो गोट रियरिंग का पर्पस है, वो मात्र स्कीम और मीट प्रोडक्शन के लिए ही है। लेकिन जब आप देखेंगे कि उससे क्या क्या लिया जा सकता, तो आप देखिए, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, मोहर, स्किन, कमर्शियल एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए उसका यूज कर सकते हैं, कंपेनियनशिप के लिए यूज हो रहा है, जो कि कुछ कम्युनिटीज में बहुत ही एविडेंट है, एज ए पैक एनिमल्स यू कैन यूज। तो इसका अगर आप पर्पस ऑफ रियरिंग को देखते हैं तो आप इंटेंसिव गोट रियरिंग की ओर बढ़ सकते हैं। अभी तक जो जो एक अनछुआ पहलू है मिल्क प्रोडक्शन, उस पर आज मैं चर्चा करूंगा कि गोट मिल्क, आप देखते होंगे कई सारे रोगों में इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसकी प्राइस, जो इसकी दूध की प्राइस, कभी कभी तो आप 2,000 रुपये केजी भी आप पाएंगे, जैसे डेंगू के समय में यह अनुपलब्ध है, मिलता ही नहीं है। जैसे आप देखिए, गोट मिल्क की खासियत क्या है, गोट मिल्क जो है इसका जो फैट ग्लोबुल्स होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, 2 माइक्रोन के करीब। साइज छोटा होने से क्या होता है, इससे बच्चे भी आसानी से पचा पाएंगे और बुजुर्ग भी आसानी से पचा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये नेचुरली होमोजेनाइज्ड मिल्क है, ठीक है। इससे क्या होता है, डाइजेस्टिविटी बेटर होती है।
आप देखिए डाइजेस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ प्रोटीन ऑफ गोट 85%, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ गोट मिल्क प्रोटीन 67.5%, मिल्क इज रिच इन एंटीबायोटिक इसलिए इसका थेरेप्यूटिक वैल्यू भी है। ये पायोरिक एस्टेनोसिस में, पेप्टिक अल्सर में, लीवर डिस्फंक्शन में, जॉन्डिस में, डेंगू में, इंसोमनिया में, बिलियरी डिसऑर्डर में, इन सब चीजों में काम आता है। और इसका जो यूं कहें, इसका जो आप देखेंगे इसके दूध में तो 9 मिनरल्स मोर देन एनी अदर। अगर मिनरल्स ज्यादा होंगे तो आप उसको डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोफाइल से भी जोड़ सकते, इम्यूनिटी से भी इसको जोड़ सकते हैं कि इम्यूनिटी भी इसमें बेटर हो, एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें बेटर है। और अगर आप कुछ नस्ल को पालेंगे तो आप इससे गोट मिल्क भी ले सकते हैं, इमरजेंसी में अगर किसान चाहे तो घर में प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकता है, घर में यूज के लिए भी इसका यूज कर सकता है। अब देखिए कई सारे ब्रीड्स में लैक्टेशन इल इनका क्या है, एवरेज डेली इल क्या है, मिल्क इल क्या है और पीक इल क्या है। आप जमुनापारी में देखें जो कि एक कॉमन पॉपुलर ब्रीड है, और अपने यहाँ ये बिहार में जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बिहार में कॉमनली जो फाउंड ब्रीड्स हैं और कॉमनली पॉपुलर ब्रीड्स हैं उनमें क्या है, ब्लैक बंगाली एक नंबर पे, दूसरा नंबर पे बारबरी है, सिरोही है और आपको बीटल, ये चार ब्रीड आपको मिलेंगे, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबरी, जमुनापारी और बीटल, ये पांच ब्रीड्स आप बिहार के विभिन्न जगहों में पाएंगे, जिसमें सबसे कॉमन ब्लैक बंगाल जो कि मीट के लिए और स्किन के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें कि हम अगर मिल्क भी लेना चाहें पशु से तो आप जमुनापारी रख सकते हैं, जिसका देखिए पी किल्ड 3.2 kg, एवरेज डेली मिल्क 900 ग्राम। आप देखिए बीटल में 1.25 kg डेली मिल्क, बारबरी में 750 ग्राम। तो अगर जमुनापारी, बीटल, बारबरी इन सबको रखते हैं तो आप मिल्क भी ले सकते हैं, साथ में लैक्टेशन मिल देखिए 175 kg करीब, तो अच्छा खासा मिल्क आप ले सकते हैं। तो ऊपर के जो चार ब्रीड मैंने दिखा रहा हूँ, जमुनापारी, बीटल, बारबरी, सिरोही, ये चार ब्रीड अपने यहाँ पाए जाते हैं और एक ब्लैक बंगाल जो कि बहुत ही पॉपुलर है बिहार में। तो इन सब का रियर करके आप मिल्क प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और मीट तो है ही। तो अब ये देखें कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं उनका क्या ट्रेड्स होना चाहिए, सिलेक्शन आप कैसे करें, कंफर्मेशन कैसे करें कि गुड मिल्क गुड है, तो जनरल फीचर्स आप देख सकते हैं, हेड कैसा होना चाहिए, हेड मीडियम विड्थ, मीडियम विड्थ का होना चाहिए, प्रोमिनेंट मजल एंड नॉस्ट्रिल होना चाहिए, हेड इन द डोर्स जो फीमेल हैं उनमें वेल कैड विद फेमिनिन अपीयरेंस होना चाहिए, आई लार्ज एंड ब्राइट होना चाहिए, नेक एंड शोल्डर्स लॉन्ग स्लिम विद द टॉसल्स इफ प्रेजेंट इवनली हंग, चेस्ट शुड बी अ गुड विड्थ एंड स्मूथ, बॉडी गुड डेप्थ, हायर लेंथ फ्रॉम द हेड टू टेल इज अ डिजायरेबल फैक्टर। ये कन्फर्मेशन ट्रेड्स हैं जो कि गुड मिल्क गोट्स में होने चाहिए। रिब्स का प्लेसमेंट देखिए आप, बैरल का देखिए साइज किस तरह से होना चाहिए, फ्लैट साइड से कॉमन फॉल्ट यू सी, एब्डोमेन शुड नॉट बी प्रोट्रूडिंग बियॉन्ड द विड्थ ऑफ द रिब, एब्डोमेन उससे बाहर नहीं होना चाहिए, अडर एंड टीट जो कि बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो कैसा होना चाहिए, साइज लार्ज एंड प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द गोट शुड बी कैरिड वेल अंडर द बॉडी, व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द हाइंड लेग, ठीक है, टेक्सचर सॉफ्ट प्लायबल होना चाहिए, मिल्किंग के बाद अडर कोलैप्स करना चाहिए, इसका मतलब मिल्क खाली हो गया, मिल्क टीट्स एंड डट्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लंप, कोई भी लंपी टिश्यू नहीं होना चाहिए, मिल्क वेन लार्ज एंड प्रोमिनेंट जैसा ही कैटल में होता है अंडर द बेली होना चाहिए, सेम कॉमन फीचर है सब होने चाहिए। तो हम एक नया डायमेंशन इसमें दे सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन गोट मिल्क।
गोट फार्मिंग में और क्या इम्पोर्टेंट है जब हम गोट फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे, तो इसको हम चार पांच चीजों में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहला जो आता है ब्रीड्स, ब्रीड्स का सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रीड्स का एडेप्टेशन, एडेप्टिव फीचर, हमारे यहाँ एडेप्टेबल है कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो एडेप्टेबल है उनमें सबसे कॉमन ब्लैक बंगाल या बंगाल गोट्स। ब्लैक बंगाल कहने का मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक ही होता है, दे में वेरी फ्रॉम दे ब्लैक, ग्रे, इवन व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स। एंड चूंकि ब्लैक कलर आर प्रीडोमिनेंट, दैट्स व्हाई देयर नेम इज ब्लैक। ये हमारे पूरे बिहार में पाया जाता है और बहुत ही वेल एडेप्टेड। उसके बाद आप सिरोही को देख सकते हैं। ये देखिए सिरोही, ये सिरोही है, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा है। जमुना परी, ये भी पैरोट शेप नोज, थाई में बाल, ये हमारे यहाँ वेल एडेप्टेड है। फिर एक बारबरी, ये देखिए ये भी हमारे यहाँ कॉमनली फाउंड है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपको बताया जमुना परी, बारबरी, बीटल और सिरोही, ये मोटा मोटी मिल्च में भी आते हैं ड्यूअल पर्पस, तो आप इसको रख सकते हैं। ब्लैक बंगाल लीजिएगा तो आप फिकंडिटी का यूज कीजिएगा। आप ट्रिपलेट्स, ट्विंस तो वेरी कॉमन, आप ले सकते हैं ब्लैक बंगाल। तो ब्रीड्स के मामले में हमें बहुत ही पार्टिकुलर होना है और दूसरे ब्रीड्स का चयन नहीं करना है। बेसिकली वी शुड फोकस ऑन ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबरी, जमुना परी एंड बीटल। सी, दिस इज ब्लैक बंगाल। नाउ कम टू द पॉइंट, हॉर्सिंग। जब हम कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे गोट्स के लिए, तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है हॉर्सिंग। ब्रीड्स के बाद हॉर्सिंग, ब्रीड्स का चयन हो गया, उसके बाद हॉर्सिंग पे ध्यान। हॉर्सिंग कहाँ करेंगे, ये वेल नोन है, रेस्ट ग्राउंड होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, मार्शी एरिया नहीं होना चाहिए, लो लाइंग एरिया में नहीं होना चाहिए, हाई रेनफॉल एरिया में प्रिफरेबली एलिवेटेड होना चाहिए। बक्स शुड बी हाउस्ड इन इंडिविजुअल पेन में रखना चाहिए, प्रॉपर सेट कूल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, डंग और यूरिन डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ओवर स्टॉकिंग ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ये प्री रिक्विजिट्स हैं सारे। अब देखिए आप तरह तरह के हाउसिंग को देख सकते हैं। ये देखिए जो मिनिमम गोट शेल्टर का रिक्वायरमेंट है, आप ओरिएंटेशन देखिए, ओरिएंटेशन ईस्ट बेस्ट ही बेस्ट माना जाता है, विद जेनरस प्रोविजन फॉर एयर मूवमेंट, साउथ फैकेट है एडवांटेज। अल्टरनेट ओरिएंटेशन साउथ बेस्ट यू मे गो, बट दिस ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ इज नॉट गुड, इट मींस ईस्ट बेस्ट ओरिएंटेशन इज बेटर फॉर शेल्टर इन गोट्स। जब मिनिमम गोट शेल्टर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो फ्लोर स्पेस एक कॉमन पैरामीटर है। आप देखें कवर्ड एरिया और ओपन एरिया पैडक का, 0 से 3 मंथ की अगर गोट है तो 0.2 to 0.25 meter square पर गोट स्पेस दें। 3 से 6 महीने का है तो ओपन एरिया 1 to 1.5 दें। 6 से 12 है तो आप इस तरह से दें, ये इसमें मेंशन है। एडल्ट गोट के लिए आप देखिए फार्मर्स को चाहिए कि वो 1.5 meter कवर्ड स्पेस और 3 meter square का ओपन पैडक प्रोवाइड करें। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग गोट को 1.5 से 2 meter square का कवर्ड स्पेस और 3 से 4 meter square का ओपन पैडक एरिया दिया जाना चाहिए। अब देखिए जब शेल्टर रिक्वायरमेंट डायमेंशंस की बात आएगी, तो लेंथ देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितना भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन विड्थ ये 6 से 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वॉल में देखिए आप विड्थ साइड अप टू द रूफ, लेंथ साइड 1 to 2 मीटर होना चाहिए। लेंथ वाइज आप देखिए
पार्टीशन विद इन सेट एवरी 8 to 10 meters पे पार्टीशन होना चाहिए। गैप बिटवीन टू सेट्स में कितना होना चाहिए, मोर देन 6 to 8 meters का गैप होना चाहिए और सराउंडिंग ग्रीन कवर्ड होना चाहिए। अब देखिए बहुत तरह का शेल्टर्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किस तरह से फार्मर्स को जितना भी लिस्ट कॉस्ट में हो सकता है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इलिवेटेड हाउस आर ऑलवेज बेटर इन हाई रेनफॉल एरिया। अब देखिए किस तरह से आप रख सकते हैं, जब ये रेज्ड होता है, रेज्ड ग्राउंड पे होता है तो डंग और यूरिन की समस्या कम होती है, वो आराम से बाइपॉट हो जाता है ड्रेनेज। इस तरह से आप कर सकते हैं कोल्ड वेदर स्मूदरिंग। गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। रैम्प की व्यवस्था देखिए किस तरह से की हुई है उन्होंने, मैनेजर बनाया हुआ है, फीडिंग मैनेजर ये देखिए, हे मैनेजर्स। ये देखिए हे खा रही है गोट्स, ये वाटर फीडर, ये देखिए जैसा कि मैंने कहा हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ब्रीड। वंस यू सिलेक्टेड द ब्रीड, आपने सिलेक्ट कर लिया, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोवाइड स्पेस हाउसिंग। हाउसिंग इज नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इनक्लीमेंट वेदर बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर इन्वायरमेंट टू ग्रो। आप गोट से क्या चाहते हैं, आप गोट से एक ही चाहते हैं, उसका ग्रोथ रेट फास्टर हो, ग्रोथ रेट फास्टर। ग्रोथ रेट फास्टर कब होगा, जब वो थर्मोन्यूट्रल जोन में होगा। थर्मोन्यूट्रल जोन में अगर होगा, कहने का मतलब है कि जब वो कंफर्टेबल होगा तो वो बेटर अपने फीड का यूटिलाइजेशन कर पाएगा, बॉडी को दे पाएगा। एक चीज समझ लीजिए कि आप या तो ग्रोथ के लिए यूज करें एनर्जी का, या एग प्रोडक्शन के लिए करें, या मीट प्रोडक्शन के लिए करें, या मिल्क प्रोडक्शन के लिए करें। एनर्जी का जो मेजर पार्ट है वो मेंटेनेंस को जाता है। सबसे पहला पार्ट जो है, जो फीड का, फीड और यू कैन से एनर्जी का जो मेजर पार्ट है वो बॉडी मेंटेनेंस के लिए जाता है, सर्वाइवल के लिए जाता है। उसके बाद वो बचता है वो ग्रोथ के लिए जाता है, और उसके बाद अगर वो बचता है तब वो प्रोडक्शन के लिए जाता है। तो प्रोडक्शन क्या है, लैविश एक्सपेंडिचर। तो अगर एनिमल उसी में कंफर्ट फील नहीं करेगा, अगर उसमें वो कंफर्ट फील नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। चाहे वो मिल्क हो, एग हो, मीट हो, कुछ भी हो, ग्रोथ रेट हो, कुछ भी हो, वो डाउन कर जाएगा। तो गोट फार्मिंग में भी यही है, आपको थर्मोन्यूट्रल जोन में मेंटेन करना होगा। थर्मोन्यूट्रल जोन मेंटेन करने का मतलब है एडिक्वेट हाउसिंग विद प्रॉपर वेंटिलेशन। हाउसिंग का मैंने डायमेंशन आपको दिखाया, ये तो मिनिमम फॉलो होना ही चाहिए। साथ में ओपन पैडक भी होना चाहिए और रनिंग स्पेस भी होना चाहिए, एक्सरसाइज की व्यवस्था हो, बहुत अच्छा। अगर वो एलिवेटेड हो, रेज्ड हो और अच्छा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उछल कूद करते हैं, आप देखेंगे जब ये फीडिंग मैनेजर होता है वो रेज्ड होता है तो उस पर लपक लपक के खाते हैं। कहने का मतलब क्या है, उनका हैबिट है। अगर वो सेटिस्फाई होगा, एक बिहेवियर लिए भी है इशू है, अगर बिहेवियर उनका सेटिस्फाई होगा तो बेटर प्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसा कि सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक और मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हम उन्हीं एनिमल को सिलेक्ट करें, फार्मर्स को सजेस्ट करें कि आप जो एनिमल गुड हेल्थ में हो, गुड फिजिकल फीचर हो। जैसा मैंने बताया कि अगर आप मिल्क गुड का करना चाहते हैं तो हमने एक कन्फर्मेशन का पैरामीटर दिया कि ये कन्फर्मेशन आप देखें, ही शुड बी एजाइल, ही शुड बी एक्टिव। पैरामीटर देखें, एनिमल परचेज करने के पहले फार्मर जरूर वेटनेरियन सलाह लें, ये बताएं आप। बैंक टेक्निकल ऑफिसर को ही बोलें कि भैया आप सजेस्ट कीजिए फार्मर्स को कि वेटनेरियन से सलाह लें परचेज करने के पहले, अगर ज्यादा परचेज कर रहे हो तो। अगर एक दो एनिमल परचेज करना है फिर तो कोई बात।
ये भी देखें कि परचेज एनिमल विच आर रेडी टू ब्रीड एंड इन प्राइम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसका ध्यान रखें, आइडेंटिफाई द न्यूली परचेज एनिमल्स बाय सुटेबल आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फिर उसके बाद वैक्सीनेट कर लें, जो भी न्यूली परचेज एनिमल है उसका वैक्सीनेट कर लें। ऐसा ही हर्ड में ना मिला है, आप देख ही रहे हैं क्वारंटीन का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ। हाँ, तो कीप द न्यूली परचेज एनिमल्स अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 15 डेज एंड देन मिक्स विद द जनरल फ्लॉक। अनप्रोडक्टिव एनिमल दे मस्ट बी कल्ड प्रॉम्प्टली एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय द न्यूली परचेज एनिमल्स और फार्म बॉर्न बर्ड। एनिमल्स आर टू बी ब्रेड एट इंटरवल ऑफ 8 to 9 months फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। कल द ओल्ड एनिमल्स एट द एज ऑफ 6 years एंड अबव। अवॉइड द किडिंग ड्यूरिंग पीक पीरियड्स ऑफ समर एंड विंटर, क्योंकि काफी स्ट्रेसफुल होगा, मोर्टेलिटी होने का चांस है, इस इन बातों का ध्यान रखें। जब फीडिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, फार्मर्स लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ कि किसी भी फार्मिंग, चाहे वो कोई भी एनिमल हस्बेंड्री का हो, चाहे वो डेयरी हो, पोल्ट्री हो, पोल्ट्री हो, कुछ भी, इनकम कहाँ से आता है? आप अगर देखेंगे तो 60 to 70% जो आपका रिसोर्स है, एक्सपेंडिचर है, वो फीडिंग कंपोनेंट से है, फीडिंग कंपोनेंट में जाता है। रेस्ट 20% लेबर एक्सपेंडिचर और मात्र 10% राइडिंग एक्सपेंडिचर है। तो प्रॉफिट आप कहाँ ले सकते हैं? आप फीडिंग को मैनेज करके प्रॉफिट नहीं ले सकते। आपको जब प्रॉफिट लेना है तो जो 10% का जो रनिंग एक्सपेंडिचर है और 20% का जो ये है लेबर मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट है, इसी में से आप प्रॉफिट का पार्ट ले सकते हैं। तो आप अगर लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखें तो प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। अननेसरी का फीड देंगे तभी प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। फीड अगर बॉडी में नहीं लग रहा है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तब भी प्रॉफिट घट जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसानों को ये बात बताएं कि ब्रूस बुशेस का, श्रब्स का यूज करें, एनिमल्स में ब्राउजिंग एक हैबिट है, इसको सेटिस्फाई करता है। एज एन अल्टरनेटिव टू अबव, सप्लाई ऑफ कल्टिवेटेड फूडर From on farm or from surrounding farms must be ensured. Cultivated fodder का use करें, cultivated fodder. Roughage ad lib उसको सब दें। कहा जाता है thumb rule के हिसाब से 2/3 of energy requirement should be made from roughage. Half of the roughage should be leguminous green fodder and rest half should be grasses or tender tree leaves. ये thumb rule है। अगर आप उससे गुड क्वालिटी ग्रीन फोडर नहीं है तो कंसेंट्रेट मस्ट बी कंसीडर्ड टू रिप्लेस। वैसे भी सिर्फ फोडर से नहीं काम चलेगा, एटलीस्ट 100 से 150 ग्राम आप उसको कंसेंट्रेट भी दें। जब किड फीडिंग की बात आएगी तो क्रोस्टम फीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोस्टम क्या करता है? ये इम्यूनिटी देता है बच्चों में। जितना अर्ली स्टेज में या अर्ली एज में आप क्रोस्टम फीडिंग कराएंगे उतना जल्दी उनको एंटीबॉडी का जो टाइटर है या यूं कहें एंटीबॉडी उनको बनेगा उनके शरीर में और इम्यूनिटी उतनी जल्दी आएगी। और अर्ली पार्ट ऑफ एज में क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 3 से 4 दिनों तक इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी ज्यादा होती है, उससे क्या होता है ऑब्जॉर्प्शन बहुत ईजी होता है। तो जितना जल्दी से जल्दी आप क्रोस्टम फीडिंग करा सकें उतना बेटर होगा इनके। लेटर ऑन दे कैन बी पुट ऑन किड स्टार्टर राशन। ग्रीन लेगुमिनस फोडर शुड बी ऑफर्ड एट लीस्ट टू किड्स फॉर फ्रॉम 15 डेज ऑनवर्ड्स। सॉल्ट एंड वाटर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। एडिशनल कंसेंट्रेट शुड बी गिवन टू बग्स एंड डोज ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जैसा सब जानते हैं कि अगर ब्रीडिंग सीजन में देंगे तो ओवर सेडिंग का चांस ज्यादा होगा, तो ओवर सेडिंग का चांस ज्यादा होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ ओवर सेडिंग का होगा चांस, तो क्या होगा उससे ज्यादा बच्चा होने का चांस ज्यादा होगा। केयर शुड बी टेकन टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एज रिकमेंडेड। जैसा कि अभी बताया मैंने थंब रूल के हिसाब से यहाँ पे कि 2/3 जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपको रफेज से आना चाहिए। हाफ ऑफ रफेज शुड बी लेगुमिनस ग्रीन फूडर एंड रेस्ट हाफ शुड बी ग्रासेस और टेंडर ट्री लीव्स। उसी तरह से
ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्टेज ऑफ एनिमल फिजियोलॉजिकल लेवल के हिसाब से प्रोटीन अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट लिखा हो। बक्स बक में क्या चाहिए, 11% रूट प्रोटीन और 60% टीडीएन। किड्स में आप देखिए 14% प्रोटीन चाहिए और 68% टीडीएन चाहिए। तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से एनिमल का रिक्वायरमेंट वेरी करता है, हमको उसके हिसाब से ही फीडिंग करवानी। हाँ ये और बात है, किसान उस चीज को ना समझे तो, किसान उस चीज को ना समझे तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि कंसंट्रेट का अमाउंट जो है, मेनली यहीं पे है बात, कंसंट्रेट का अमाउंट जो है अगर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है या लैक्टेटिंग डो है उस समय बढ़ा दें, सिंपल सा है, आप बढ़ा के कर सकते हैं। किड्स है, किड तो मिल्क फीडिंग करेगा और उसके बाद जब उसका रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का तो उस समय आप थोड़ा दें। एडल्ट में तो आपको 100 से 150 ग्राम हमेशा देते ही रहना है और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। ये आप फार्मर्स को बताएं उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे, अगर पास्चरेज है तो आप दें, नहीं है तो नेचुरल ब्राउजर आप कुछ भी लीव्स दे सकते हैं, फार्मर्स को बोल सकते हैं, बहुत सारे लीव्स है जिसका वो यूज कर सकते हैं। जैसे कटहल का है, कटहल का लीव्स बहुत ही, सहजन का लीव्स है, अगर कुछ भी ऐसा उपलब्ध है तो फार्मर दे सकते हैं। और जैसा कल्टीवेटेड फूडर है तो बरसीम वगैरह तो खिला ही सकते हैं। हे अगर उनके पास है, बना के रखा है उन्होंने, तो वो भी खिला सकते हैं। साइलेज ऑफ कोर्स अगर खिला पाए तो खिला पाए। ये राशन है, राशन फॉर्मुलेशन ये देख सकते हैं कि अगर किड राशन बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें, प्रेग्नेंट एनिमल के लिए अगर राशन बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें, लैक्टेटिंग के लिए क्या हो ये देख सकते हैं, मेज का कंपोनेंट क्या हो, पल्सेस, ऑयल केक्स, व्हीट ब्रांड, मिनरल मिक्स, कॉमन साल्ट का प्रोपोर्शन क्या है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी में मेज इज अ मेजर कंपोनेंट, मेज इज अ मेजर कंपोनेंट फॉलोड बाय ऑयल केक्स एंड व्हीट ब्रांड। जब फीडिंग की बात हुई, सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स की बात हुई, ब्रीड्स की बात हुई, हॉर्सिंग की बात हुई, तो एक यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वह है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसी जब आप किसी फार्मिंग की ओर बढ़ते हैं तो फार्मिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है कि आपका एनिमल बीमार ना हो, प्रोफाइलेक्सिस पे ध्यान हो ज्यादा, अगर क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे आप चले गए तो आपको लॉस ही होगा। तो हम ध्यान रखें इन बातों का, बहुत ही छोटी छोटी बातें जिनका अगर ध्यान रखें और किसान को भाई को बताएं कि आप इन बातों का ध्यान रखें तो आप उस लॉस से बच सकते हैं। जैसे क्या, साफ सफाई, आप घर में, हम घर में रहते हैं तो कोई भी नहीं चाहे कि गंदगी रहे वहां पे, साफ सफाई हो। कभी कभी डिसइंफेक्टेंट से घर में लगाते हैं, उनके घर में भी लगाए, जो नाली है या ड्रेनेज है कभी कॉपर सल्फेट दे दें उसमें, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बार में लोड है घट जाएगा उस एरिया का। कोई भी एनिमल सीक है, इल है, उसको सेपरेट कर दें, कॉमन चीजें हैं। आप अलर्ट रहें, उन साइंस को पहचाने, किसान को बोलें कि आप उस साइंस को पहचाने, जैसे एनिमल ने अपना फीड इनटेक घटा दिया, फीवर है, कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, तो आप उसको सेपरेट करें, आप देखें उसका, किसान को बोलें कि अगर कुछ हो रहा है तो हमको बताएं, कंसल्ट करें किसान नियरेस्ट वेटनरी एड सेंटर पे। एनिमल का वैक्सीनेशन का चार्ट, डिवर्मिंग का चार्ट, स्क्रीनिंग का चार्ट वो लगा कर रखें जहां एनिमल हस्बेंड्री हो रहा हो। अगर कोई भी डीज का आउटब्रेक होता है इमीडिएट वो बताएं, हॉस्पिटल्स को बताएं, ये सब अवेयरनेस उनको होना चाहिए। इन केस ऑफ आउटब्रेक ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज इमीडिएटली सेग्रीगेट द सिक एनिमल्स फ्रॉम हेल्दी वन एंड टेक नेसेसरी डिजीज कंट्रोल मेजर्स। डिवर्मिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवर्म द एनिमल्स रेगुलरली, ग्रोथ ही नहीं होगा, और आपको ग्रोथ ही चाहिए, जितना जल्दी जल्दी एनिमल तैयार हो उतना अच्छा। फिशेस एग्जामिनेशन, एग्जामिन द फिश ऑफ एडल्ट एनिमल्स टू डिटेक्ट एग्स ऑफ इंटरनल पैरासाइट एंड ट्रीट द एनिमल्स विद सूटेबल ड्रग्स। एनिमल्स को बोलें कि आप बीच बीच में फीकल सैंपल लेके आए,
हॉस्पिटल्स में लेके आए, अगर आप डिबर्मिंग करवाते रहेंगे, अगर वो शेड्यूल लगा के रखा है किसान अपने पास, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लिया कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ह्यूमंगस का है, तो सैंपल ले आके दिखा ले। और एनिमल जो जाता है गोट में, क्या होता है कि एक ही प्लॉट पे बार बार आप ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं, तो क्या होता है लंबे समय में वो बर्म लोड वहां पे बढ़ जाता है, उस एरिया का बर्म लोड बढ़ जाता है। जब बर्म लोड बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स नेचुरली है कि उनको ज्यादा अटैक होगा ये इंटरनल पैरासाइट का। तो प्लॉट भी चेंज करें, और तो और जिस प्लॉट पे बार बार जा रहा है उसकी मट्टी भी माने उलट पुलट कर दें, जिससे कि जो है कुछ भी बम्स है वो उनका डेथ हो जाए। तो प्रोवाइड क्लीन एंड अनकंटामिनेटेड फीड एंड वाटर टू मिनिमाइजिंग द हेल्थ डिसऑर्डर। और जैसा कि मैंने कहा, जितना इम्पोर्टेंट फीड है उतना ही इम्पोर्टेंट वाटर भी है। वाटर का भी क्लीननेस पे ध्यान दें, वाटर के हाइजीन पे ध्यान दें, कूल काम ड्रिंकिंग वाटर दें, स्ट्रिक्ट फॉलो द रिकमेंडेड वैक्सीन शेड्यूल्स। दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऐसा देखिए टीकाकरण का PPR, एंट्रोटॉक्सीमिया, FMDHS, खुरपका मुंहपका गलघोटू के लिए, कृमिनाशन के लिए कीड़े कब दें, टीका हुआ है मानसून प्रारंभ होने पर जून जुलाई में, और मानसून के बाद द्वितीय खुराक अक्टूबर। मीन्स अगर आप साल में दो बार, एक बिफोर मानसून और एक आफ्टर मानसून अगर आप देते हैं क्रिमिनाशन के लिए, बोलते हैं किसान को समझाते हैं कि आप ये दें, तो आप उनसे डिबर्मिंग मतलब एनिमल का ग्रोथ भी अच्छा होगा और एनिमल सही समय पर तैयार भी हो जाए। उस तरह से डीपिंग है, अगर मान ली एक टू पैरासाइट का ज्यादा इफेक्ट है, जनरली क्या होता है जो ड्राई एरिया होता है, ड्राई एरिया में इक्टोपैरासाइट का इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है, और जो मॉइस्ट एरिया है, यूं कहें स्वैम्प एरिया या यूं कहें हाई रेनफॉल एरिया, तो वहां पे आप देखेंगे कि इंडोपैरासाइट का अटैक ज्यादा है। तो जो जहाँ पे इक्टोपैरासाइट हो रहा है वहां पे डीपिंग करें, डीपिंग करवाएं, जुलाई में करवाएं, अक्टूबर में करवाएं, सेम उसी तरह से मानसून ड्रम होने पर और मानसून के बाद। साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन 0.1 टू 0.4% के घोल से किसान को बोलें कि उससे नहलाएं। नहलाने के दौरान ये ध्यान दें कि वो पानी, वो वाटर वो कंज्यूम ना करे, इस बात का ध्यान रखें। और किसान को ये भी बताएं कि जो रेगुलर टीके हैं, जो PPR से रिलेटेड हैं, चाहे इंट्रोटॉक्सिन है, वेरी कॉमन, इनसे बचने के लिए जो भी जो PPR का जान ही रहे हैं, 3 साल में एक बार उनका दिया जाता है वैक्सीन, ईटी का एक बार साल में, इसको अगर किसान फॉलो करते हैं रेगुलरली तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई समस्या आने वाली। जैसा देखिए FMD, PPR, गोट पॉक्स, इंट्रोटॉक्सीमिया, HS, ये CIRG ने प्रिस्क्राइब किया है, प्रथम टीका कब दें, बूस्टर टीका कब दें, पुनः टीका कब दें। जैसा कि PPR देखिए 3 साल में उसका रोटेशन होता है, पहला 3 माह की आयु में बूस्टर टीका इसमें जरूरत ही नहीं। इंट्रोटॉक्सिमिया केस में पहला 3 माह की उम्र में, उसके बाद प्रथम टीकाकरण के 3 से 4 सप्ताह के पश्चात दूसरा टीका, या उसके बाद एनुअल। उस तरह से सामूहिक रोग नियंत्रण के लिए आप देखें कॉक्सिडियोसिस, इनसे बचाव करना है तो एम्ब्रोलियम, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, ये सब जो है इससे उपचार करें। फार्मर को बताएं सामूहिक रोग नियंत्रण के लिए ये डीवर्मिंग का यूज करें, डिपिंग का यूज करें, कॉक्सिडियोवैक या जो भी कॉक्सिडिया घटाने के लिए मेडिसिन हैं उसका यूज करवाएं। इस तरह से डिजीज स्क्रीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। समय समय पे डिजीज क्या स्क्रीनिंग भी करना जरूरी है। किन रोगों का स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रुसेलोसिस, जॉन्स, माइकोप्लाज्मोसिस एंड मेस्टाइटिस। ये CIRG ने रिकमेंड किया है क्योंकि गोट पर ही रिसर्च करती है। उन्होंने कहा है कि जनरली ब्रुसेलोसिस, जॉन्स डिजीज, माइकोप्लाज्मा, मेस्टाइटिस
और इक्टोइंडोपैरासाइट के लिए आप समय समय पे स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। अगर किसान के पास ज्यादा बड़ा हर्ड है तो इन सब चीजों को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप देखते हो कि जब छोटा एनुअल सुंडी का इवेंट होता है तब तो वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन जैसे ही साइज बड़ा होता है तो बोलते हैं किसान के हमें नुकसान होने लगा। तो नुकसान कैसे होता है? जब आप इन बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखवाएंगे, आप किसान को नहीं बताएंगे कि बस तीन चार चीजें हैं, रेगुलर डिवर्मिंग करना है, डीज का स्क्रीनिंग करना है, वैक्सीनेशन करना है, डीपिंग करना है, कुछ जो रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से, वो भी कभी कभी कब कब होता है, ये साल में कभी एक बार, कोई कोई तो 3 साल में एक बार, कोई कोई है कि मिनिमम 6 महीना, उससे पहले तो ऐसा है नहीं कि किसी को रेगुलर करवाना। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जो हमेशा किसान अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो किसान को बताना बहुत जरूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी गोट प्रोडक्शन में कब होगा? जब फार्मर को प्रॉफिट दिखेगा। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जैसा हम देख रहे हैं कि फोडर प्रोडक्शन भी घट जाएगा, इन सब चीजों का जो जब रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, इक्टो पैरासाइट जहाँ पे है वहाँ इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट जहाँ पे इक्टो पैरासाइट, तो एरिया स्पेसिफिक भी आप दे सकते हैं। तो जिस तरह का चेंज होगा, हमें भी उस तरह से अपने मेडिसिन के पैटर्न को, मैनेजमेंट के पैटर्न को फार्मर को समझाना होगा कि इस तरह से आप चेंज करें। अब जब हम लोगों ने प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज देख लिया, तो ब्रीडिंग केयर भी देखना जरूरी है। हमें इस तरह से प्लान करना है कि 2 साल में 3 बार क्रीडिंग हो बाय अडॉप्टिंग ऑप्टिमल मैनेजमेंट कंडीशन। अगर आप चाहते हैं कि गोट फार्मिंग से फायदा हो, आपको किसान को फायदा करवाना है, तो आपको 3 क्रीडिंग 2 साल में लेना है। और कितना रखें आप स्टॉक? फॉर एवरी 25 डोज 1 बक शुड बी प्रोवाइडेड इन 1 ब्रीडिंग। ब्रीड द एनिमल्स 12 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ हीट फॉर मैक्सिमम कंसेप्शन। इन चीजों का ध्यान रखना। अनब्रीडेबल एनिमल्स को आप मस्ट बी एग्जामिन थोरली एज डायरेक्टर वेटरनरी डॉक्टर फॉर प्रॉम्प्ट एलिमिनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ फॉर एनिस्ट्रस और कल देम इफ नेसेसरी। कलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेक्शन कलिंग दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है, लेकिन कलिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिलेक्शन। फिर प्रेगनेंसी के दौरान केयर, फार्मर को ये समझने की एकदम जरूरत है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों का केयर करते हैं, अगर उस तरह से वो एनिमल्स के बच्चों का केयर करेंगे, उनकी चीजों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोलोस्ट्रम फीडिंग, हम अपने बच्चों में तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, 6 महीने तक माँ का दूध छोड़ के कुछ नहीं पिलाए, कोलोस्ट्रम पिलाए, ये पिलाए, जब एनिमल की बारी आई तो हम खा गए। वो मदर अपने बच्चों के लिए दे रही है, एटलीस्ट कोलोस्ट्रम तो उसका हिस्सा, उसको उसका हिस्सा तो खाने दें। इम्यूनिटी मिलेगा, एनिमल्स को इम्यूनिटी मिलेगा। फार्मर को ये बात बातें समझानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स केयर नहीं करते हैं इसका, तो केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेना है, जैसा कि बताया। जैसे ही वो एनिमल एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जाता है तो सेपरेट पेन में रख दें, सेपरेट पेन में रख दें, खाने पीने का ध्यान रखें, ऑब्जर्व करें। किडिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो असिस्ट करवाएं, फार्मर्स को बोलें आप असिस्ट करें। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो वेटनरियन असिस्टेंस लें। इन सब बातों को उन्हें सेंसिटाइज करने की जरूरत है। जब हम रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट पे आएंगे गोट्स का, तो ये है, इसे भी देखा जा सकता है। जनन चक्र, तो इस तरह से किड्स का केयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जाके आगे एडल्ट बक और डो में कन्वर्ट होगा। तो टेक केयर ऑफ न्यू बॉर्न किड्स बाय प्रोवाइडिंग गाइड गार्ड रेल्स इफ पॉसिबल, यू सी। ट्रीट और डिसइंफेक्ट द नेवल कॉर्ड एज यूजुअल, जैसा कि कोई भी एनिमल या इवन ह्यूमन यू कैन से। सेम, ट्रीट और डिसइंफेक्ट द नेवल कॉर्ड विद टिंचर ऑफ आयोडीन एज सून एज इट इज कट विद अ शार्प नाइफ। प्रोटेक्ट द किड्स फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पार्टिकुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ। डिहॉर्न द किड्स ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ एज। डिहॉर्निंग अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट 2 वीक में कर दें। मेल किड्स शुड बी कास्ट्रेटेड फॉर बेटर क्वालिटी मीट प्रोडक्शन। वैक्सीनेट द किड्स एज पर द रिकमेंडेड शेड्यूल। बीन द किड्स एट द एज ऑफ 8 वीक्स। बीनिंग, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ किड्स ऑन द बेस ऑफ इनिशियल बॉडी वेट एंड बीनिंग वेट शुड बी इनिशिएटेड बाय मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर रिप्लेसिंग द कल्ड एडल्ट स्टॉक एज ब्रीडर्स। एडिशनल फीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैक्टेटिंग डोज मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर प्रॉपर नर्सिंग ऑफ ऑल द किड्स बॉर्न।
सिमिलरली मार्केटिंग, जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं फार्म से या किसी भी एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल हस्बेंड्री के सेगमेंट से, तो मार्केट एंड मार्केटिंग दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे मान लिया उस तरह से आप क्रॉप निकाल के लेके आ रहे हैं जब वो दिवाली में मिले, दशहरा में मिले या बकरीद में मिले, ईद में मिले, तो उस समय आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो साइकिल को उस तरह से रोटेट करें, उस तरह से मेंटेन करें कि आपको उसी समय पे वो आए, तो आप देखें कि फार्मर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी एज ए होल कब होगा, फार्मर्स कब उसको अडॉप्ट करेंगे या अडॉप्ट करते रहेंगे, जब आप क्लाइमेट चेंज के विभिन्न पैरामीटर्स को देखते हुए प्रॉफिट को मेंटेन रखें। प्रॉफिट को मेंटेन कैसे रखेंगे, किसान को साइंटिफिक रियरिंग प्रैक्टिसेस समझाकर। साइंटिफिक रियरिंग समझाने का मतलब है उसमें दो पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट, दो नहीं तीन पैरामीटर, पहला ब्रीड सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा फीडिंग मैनेजमेंट, एज यू नो 60-70% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ऑन फीडिंग, एंड तीसरा क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। आप रेगुलर फार्मर्स के लेवल पे ये होना चाहिए कि उनके यहाँ वो चार्ट टंगा रहे, वैक्सीनेशन का चार्ट टंगा रहे, डिवर्मिंग का चार्ट टंगा रहे, स्क्रीनिंग का चार्ट टंगा रहे। अगर ये सब हो रहा है तो आप पाएंगे किसान बिजनेस को सस्टेन कर रहा है और ये हमारी और आपकी ही जीत हो। तो मैं आप ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजों को जानते ही होंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो भी अपने नॉलेज को अपडेट किया आप किसान के लेवल पे लेके जाएं और उनको समझाएं कि आप साइंटिफिक रेयरिंग को अपनाकर सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करा सकते। धन्यवाद।